मैं पूछता हूँ कांग्रेसों से, इसराइल युद्ध हुआ, इसराइल यूक्रेन का, कौन लेके आया वहाँ से? मोदी सरकार। अब नरेंद्र कौन लेके आया? मोदी सरकार। ठीक है, अभी कोरोना में कौन लेके आए लोगों को बचा करके? मोदी सरकार। अगर कांग्रेस के हुआ हमारे महाराज, जिनको ये पता नहीं है भगवान जा रहे किधर से पकड़ा देनी कैसे देनी है, उनको ये पता नहीं, वो ले आते क्या? ले आते क्या? वो ले आते क्या? वो पता ही नहीं है। और वो बेड़ीवार जी जो इनसे वो कर रहे गठबंधन, वो खुद बोलते हैं बात आज इंसान का कि मिल गए। ऐसा काम कर सकती है क्या कांग्रेस सरकार? केजरीवाल को बचाने पे लगे हुए, बचाने लगे केजरीवाल को, भ्रष्टाचारियों को बचाने लगे। केजरीवाल केजरीवाल ऐसे होता है बार बार, मुझे गिरफ्तार करो ना, मेरे ऊपर आरोप लगाओ ना। मोदी सरकार ने कर दी उनकी मांग पूरी, उनकी मांग पूरी कर दी केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार ने जा जा अब कर पांच दिन कोर्ट में मेरे को जुलूस मिलने दो। अरे भाई पहले क्यों कर रहा था? अब बोल रहा है नहीं मैं नहीं देख रहा था काम, वो खड़ा नहीं देख रही टीम भी देख रहा था। ऐसा नहीं चलेगा, ये बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ईमानदार से काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ेगा लिखेगा उसे नौकरी मिलेगी। कांग्रेस को गलत सरकार ने यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया, पेपर लीक किए, वो ऐसा ही लगे सारे पकड़े जा रहे हैं। सारे पड़े जा रहे हैं। इस कांग्रेस सरकार को कौन वोट दे? नहीं देंगे हम, कभी भी नहीं देंगे, मर जाएंगे कैसे वोट देंगे? और हमारी एक ही डिमांड, बस एक ही मांग थी पानी वाली, जो साइन हो गए, यारशिप बढ़ गई है, साइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मोदी सरकार अरे 4 जून 405 हम आरटी पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 3 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, वो आरटी पर लड़ रहे हैं, तो लाख जोर मार के उनको 2 लाख वोट से ज्यादा नहीं आया। आरटी को 3 लाख से कहाँ से जीतेंगे? वो 8 लाख से हार, 5 लाख से नहीं, वो कम से कम ऐसी हार होगी 7-8 लाख वोट से हार होगी, 2.5 लाख वोट पूरे आएंगे, 2.5 लाख में सब जाएगा। किसान को क्या चाहिए? बराबर किस्त आ रही है, सम्मान नहीं दी, पानी आ ही रहा है, और क्या चाहिए? किसान ही दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम चल रहा है, क्यों हम राम को देंगे वोट? कार्यशैली से प्रभावित तो मोदी जी, हाँ मोदी जी पेपर आउट का इलाज हो गया, हाँ इलाज हो गया, जो पेपर आउट हुआ था ना उनको सबको टिकट लगा दिया, और लग रहे और बाकी धीरे लग रहे, बाकी धीरे लग जाएंगे। और मोदी है ना, वो देश को सही दिशा में जा रहा है, वो बड़े विकास कर रहा है, बिल्कुल विकास कर रहा है, विकास कर रहा है मोदी। एक नंबर आएंगे वर्ल्ड में, कांग्रेस कह रही है विकास के नाम पर लोगों को झूठा बना, खुद को ही पता नहीं कांग्रेस वाले बोलते क्या है, करते क्या है, कहनी और कथनी में काफी अंतर है। कथनी और करनी की बात कर रहे हैं हम, तो बीजेपी को ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। मैडम पानी की व्यवस्था किसने करी आज 70 साल में? नहर का पानी कौन ला रहा है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार इनको दबा के बैठ गई। यदि आज अटल बिहारी इतनी योजनाएं थी, यदि राजस्थान के अंदर आती तो राजस्थान में गरीबी और पानी कमी नहीं रहती। समुद्र नेहरू से जोड़ो, नेहरू अटल नहर इस समुद्र को नदियों से जोड़ो, नदियों को नेहरू से जोड़ो, ये योजना किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। ग्रामीण सड़क योजना किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो योजना वही बहुत मोदी जी रहेंगे जब सभी पूरा होगा, मैं सपोर्ट करते मोदी जी, मोदी जी को पूरा सपोर्ट करते हैं। अरे कांग्रेस ने तो राजस्थान में लाठियों बड़ा खेल दिया था सरकार, कांग्रेस के पास वोट होते ना तो खुद का मिजाज खड़ा करती, वो कांग्रेस को खड़ा नहीं करती। और वर्तमान में स्थिति है कि 25 सीट पूरी भाजपा की राजस्थान में आएगी, हमें पूरा विश्वास है। बुलडोजर बाबा है ना, इसके लिए और मोदी के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, देश के हित में इनको वोट देना
सर्वोपरि है, काम अच्छा किया। सोनिया गांधी के लिए 400 सीटों में से हम 200 भी नहीं लेने देंगे। सोनिया उन्होंने यानी सोनिया है ना, उसकी शायद 100 सीट ज्यादा नहीं आएगी। 200 सीट पूरी दी उन्होंने, और यहाँ पूरी सीट दी है तो कहाँ से जीतेगी? 230 सीटें दी उन्होंने, और बाकी गठबंधन में है, गठबंधन कहाँ से लेगी? वो कहाँ से लेगी? सोनिया जी ने लड़ दिया, मैदान छोड़ दिया। क्या कहना और कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या कहना? और वो तो कह रहा हमने तो बहुत काम क्या किया बताओ, बताओ आप भ्रष्टाचार का कुछ नहीं किया? मोदी जी ने किया, कांग्रेस। नौकरियों की सब मदद करेगा, सब पढ़ेगा लिखेगा, उसको मिलेगी। मैं सुबह उठू 12 बजे उठूंगा, पर मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे को मैं पढ़ूंगा लिखूंगा कमीशन, तभी नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कितना जिंदाबाद बोलो, वो बोलते मोरिया बोले। मैं बोल रही हूँ की बात कांग्रेस कूकरा बोल सी, कांग्रेस वालों के पास मैडम अक्की बार कंडेट सिक्र में कैंडिडेट नहीं है। ये बोलते कॉम्रेड अच्छा आदमी है, ठीक है अच्छा आदमी मानते हैं, अच्छा आदमी है तो विधायक सीट छोड़ते कांग्रेस वाले उनके लिए। दातारामगढ़ छोड़ते तो वो तो छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ी? अब क्यों किया उन्होंने समझौता? क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, सबको डर लग रहा है अच्छे अच्छों को हार जाएंगे यार, और यार मोदी जी साहब टिक नहीं पाएंगे, बाबा जी साहब टिक नहीं पाएंगे, सबको डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है। ये समझौता नहीं है मैम, मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी जरूरत नहीं है आज मोदी को, जरूरत नहीं मजबूरी की। उठते जाते कौन बैठना चाहेगा मैम? आप जानते हो अच्छी तरह, उठते जाते कौन नहीं बैठना चाहेगा? ये कारण है कि ये कम्युनिस्ट को दी गई बात। ये बैठ गए क्या कहना, हार गई है तो 400 पार है, मुद्दे नहीं है ये। मोदी जी ने क्या काम नहीं किया? मुस्लिम सरकार चुनाव है, ये कांग्रेस की ताबूत में आखिरी की साबित हो, इसके बाद कांग्रेस थोड़ा नहीं। आपको एक बात बता दूं मैं, अगर मोदी जी 25 सीट जाफर से हारते हैं तब भी मोदी जी को प्रश्न पड़ने वाला 400 पार है। नहीं हारेंगे नहीं, तो सम्मान है नहीं, मतलब ही नहीं। पिछली बार सुन लीजिए, पिछली बार बाबा जी 2.5 लाख वोटों से जीते थे, अब की बार 3 लाख से जीतेंगे, ये सत्य बात है। ये राम मंदिर का फर्क है, बस बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं। बाबा जी वाले हैं सारे। और मैं ये नहीं सोच सकते कि जैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिली है, दो मिल गए तो दो वे नहीं। राजनीति में कभी ऐसा नहीं था, एक इनकी तरफ आएगा एक उनकी तरफ जाएगा, वो तो बराबर हो गया। और मंत्री एक भी मरा नहीं, अपना सुरक्षा कर्मी मर गया, नाम अपना डर गया, और 80 करोड़ का चारा एक ही ठंड चढ़ गया, और रेल मंत्री फिर भ्रष्टाचार के साथ मिलकर रेल मंत्री बन गया, और मोदी जी पूरे देश के अंदर छा गया। देश की सेवा करने वाले बॉर्डर पे है, उनकी तो पेंसिल बंद कर दी। अरे 5-6 पेंसिल ले रहे नेता, नहीं ले रहे क्या? सोनिया गांधी जी के जितने भी दल है उनके सारे नेता या तो बेल पे है या जेल में है। यहाँ से भी बाबा जी कम से कम 4 लाख पास जीतेंगे। मोदी पूरा देश को चाहता है और पूरा देश मोदी को चाहता है, और जैसे भ्रष्टाचारी होते हैं ना वो डरते हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचारों को अंदर ले लिया, किसानों के लिए क्या बोला कल परसों वहाँ दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों के लिए, कुछ नहीं किया किसानों, महंगाई बढ़ाई तो क्या कर दिया देश के लिए, कुछ नहीं किया। और मोदी जी ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के रख दिया, ए कानून ला रहे हैं। कांग्रेस ही बता रहे हैं भ्रष्टाचारी है मोदी जी तो। मोदी जी भ्रष्टाचारी के, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बंद करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जितनी भी जनता है तन मन और धन सब तरीके से मोदी के साथ, मोदी जी की। मोदी जी को भ्रष्टाचारी बताती है, भ्रष्टाचार तो मोदी जी तो मिटा रहे हैं। सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी जी के जितने भी दल है उनके सारे नेता या तो बेल पे हैं या जेल में हैं। एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी वाले डर डर के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? नहीं ये गलत बात है आपका, ये डर डर के नहीं आ रहे। बीजेपी आज पूरे मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, खुद कह रहे हैं कांग्रेस वाले की हमें डराया जाता है ईडी के नाम पे, ऐसा जो कह रहे हैं।
गलत कह रहे हैं। और भ्रष्टाचार रहा मुद्दा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो मैं करूँ चाहे आप करो, उसको तो जेल में जाना ही तय है। ये तो क्या लगता है इस जनसभा का कैसा असर पड़ेगा? बहुत बड़ी जनसभा होगी और 2500 सीट आएगी राजस्थान से भी, यहाँ से भी। बाबा जी कम से कम 400,000 पास जीते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं श्रीमाधव से हूँ। धूप में गर्मी में भी बाबा को सपोर्ट करते हैं? बाबा बाबा तो बाद में है, मोदी को चाह रहे सब। सब मोदी वाले आ जाइए, आप आज आ जाइए, पूछ लेते हैं मोदी। जय जय श्री राम। मोदी पूरा देश को चाहता है और पूरा देश मोदी को चाहता है। और जैसे भ्रष्टाचारी होते हैं ना, वो डरते हैं। कैंडिडेट को देख कर देंगे वोट या मोदी जी को? अच्छा, मोदी जी को। मोदी जी को, मोदी जी के जितने भी कैंडिडेट हैं सब मोदी जी की जैसे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर जनता की भावना को समझते हैं। जैसे संसद में हमला हुआ था ना, मंत्री एक भी मरा नहीं, अपना सुरक्षा कर्मी मर गया ना, अपना डर गया। और 80 करोड़ का चारा एक ही सांड चर गया। और रेल मंत्री फिर भ्रष्टाचार के साथ मिल रेल मंत्री बन गया। और मोदी जी पूरे देश के अंदर छा गया। सारा सपोर्ट आपका तो मोदी जी का? पूरा सपोर्ट। ये राजस्थान की जितनी भी जनता है, तन मन और धन सब तरीके से मोदी के साथ। मोदी जी की हर हर मोदी, हर हर मेरे मीडिया कर्मी। क्या कहना है सर आज की जनसभा के लिए? सुमेरन सरस्वती जीत रहे। जी जी, जीत निश्चित है। निश्चित घर मोदी, घर घर मोदी। राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में कह रही है कांग्रेस जीतने नहीं देंगे मोदी जी को। 25 आएंगी राजस्थान में, 25 की 25। फिक्स कर दिया आप? फिक्स कर दी। चलिए, क्या नाम क्या सर आपका? कालूराम महर्षि। कालूराम जी ने कह दिया कि 25 की 25 सीट हमारी। सर आपका क्या कहना है? हम ये कह रहे थे हमारे बच्चे को 4 साल की नौकरी कर दी, अग्निवीर बढ़ा दिया। क्या क्या ये मोदी ने कुछ नहीं किया? महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचारों को अंदर ले लिया आपके अंदर। तो आप क्यों आए फिर यहाँ पे? आप आए ना, हम भी देखने के लिए तो आए, हमारा काम है। अच्छा अच्छा, तो सुनने आए कि क्या कहेंगे आज आके? ये तो आए, हमारा काम भी तो आती है। चलिए चलिए, इसलिए आए हैं। मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित? नहीं। चलिए, क्या क्या किसानों के लिए क्या बोला? कल परसों वहाँ दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों के लिए? कुछ नहीं किया किसानों, महंगाई बढ़ाई। जी जी सर, बिल्कुल प्रभावित नहीं है सर। क्या नाम है आपका? भागीरथ कुमार। भागीरथ जी ने तो भैया जो देश की सेवा करने वाले बॉर्डर पे है उनकी तो पेंसिल बंद कर दी। अरे ये 5-6 पेंसिल ले रहे, नेता नहीं ले रहे क्या? किसान के बेटा जाता कोई इनका थोड़ा ही जाता। तो क्या कर दिया देश के लिए? कुछ नहीं किया। तो आपका सपोर्ट नहीं है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। अग्निवीर इनको समझ में नहीं आएगी। विक्रेन को इंद्र जो हो रहा है ना, वो होगा तब इनको समझ में आएगा। हर आदमी अगर 4 साल में क्या करेगा? शस्त्र वस्त्र नहीं। मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। हेलो, हमारा तो वोट भी है। क्या कहना चाहते हो? राजस्थान में 2500 की 2500 सीटें बीजेपी की भाजपा की आएंगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और मोदी जी ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के रख दिया, 370 हटा दी, सीसीए कानून ला रहे हैं और हर प्रकार से सारे हिंदुस्तान वालों की सेवा में जो लगे हुए हैं। और आज सारा वर्ल्ड मोदी जी को एक नंबर नेता के रूप में मान रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने सब कुछ किया है और करते रहेंगे। कार्यशैली से प्रभावित? बहुत प्रभावित हैं। हर काम बढ़िया तरीके से, बहुत ढंग से, व्यवस्थित रूप से करते हैं। कांग्रेस ही बता रहे भ्रष्टाचारी है मोदी जी को? मोदी जी भ्रष्टाचारी के? मोदी जी भ्रष्टाचारी को पकड़ने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बंद करने का काम कर रहे हैं। डर के मारे बोल रहे होंगे कांग्रेस वाले। कौन? हाँ, डर के मारे बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने कुछ घोटाला किया ना, वो डर रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं। इनसे भी पूछ ले। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? चोर चोर सारे एक हो गए। कौन है चोर? यही कौन? कांग्रेस रे सारे। मोदी जी को चोर बता रहे हैं? मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो इन चोरों को पकड़ रहे हैं। वो तो चोरों को पकड़ रहे हैं ना वो। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले चोर है, फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले चोर है। पहले के उठा के देखो ना, चोर कौन है? घोटाले तो वही किए हैं, बड़े बड़े आगे चोर किए और कौन करे। आप किसके सपोर्ट में है? बीजेपी के। कौन से गांव से है? नेम बताना। सिरोही। तो वहाँ से आप गर्मी में आए? हाँ, क्या है
सपोर्ट करने हैं। देश में काम कर रहा है मोदी जी ने, क्या वो पूरे विश्व नाम कर दिया मोदी जी ने, तो आप मोदी जी के सपोर्ट के लिए आए साफ तौर पर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत का आगाज कर दिया है। बता दें कि आज मैं रिंगस में हूं और यहां पर 25 की 25 लोकसभा सीटों को जीतने की बीजेपी ने जो कवायद की है, आज खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिंगस आए हैं, बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और साथ साथ उन्होंने ये बिगुल भी बजा दिया है कि राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। 25 की 25 सीटें हैं जो बीजेपी के ही खाते में आने वाली हैं। मैं फिलहाल हूँ बाबा होटल पे, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट है, कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानूंगी कि आखिर में युवा क्या कहता है, युवा का मानस क्या है और युवा किस तरीके से इलेक्शंस को देखता है। तो उन युवाओं से बात करते हैं, उनका मानस को जानते हैं। ये कुछ यूथ है मेरे साथ, इनसे जानूंगी कि आखिर में राजस्थान का यूथ क्या कहता है 25 के 25 लोकसभा सीटों को लेकर, युवा का मन क्या कहता है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने जो आगाज किया था कि प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 सीटें बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी जुगत में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पाले में ले सके। मेरे साथ तो, क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, क्या सहमत है इनकी बात से, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका मन क्या कहता है, राजस्थान को, राजस्थान में बीजेपी की जीत को कैसे देखते हो? बिल्कुल पूरी सीट है बीजेपी। बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि 25 की 25 सीट हमारी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमारे खाते में आएंगी सीटें। नहीं नहीं, कांग्रेस आएगी, पूरी सीटें आएंगी बीजेपी की 25। आज योगी जी आए हैं आपके रिंगस में, क्या लगता है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी? हाँ बिल्कुल। सपोर्ट करते हो योगी जी को? पूरा पूरा। पसंद करते हो बुलडोजर बाबा को? हाँ। देखा है कभी बुलडोजर बाबा को? नहीं देखा तो नहीं, लाइव तो नहीं देखा, वैसे देखा। जाना चाहिए था ना आज? आज कोई काम हो गया। चलिए कोई बात नहीं। एक और यूथ मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? अभिषेक चौधरी। अभिषेक, आपसे जानूंगी कि क्या लगता है, आप खुद यूथ हो, क्या लगता है बीजेपी को आना चाहिए कांग्रेस? बिल्कुल बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस वाले हैं ये तो हमें बिल्कुल, ये मान लो कि दिखने भी नहीं चाहिए यहाँ पे, कांग्रेस का सूखा साफ कर दे कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस चाहिए नहीं, क्यों पसंद ही नहीं है कांग्रेस? कांग्रेस पसंद नहीं, बिल्कुल। कौन पसंद है बीजेपी? जी अपने, बिल्कुल। आज योगी जी आए हैं, अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, अपने ऊपर से गए हैं हेलीकॉप्टर में। काम कैसा कैसा लगता है योगी जी का काम? काम एक नंबर। क्या लगता है 25 की 25 सीट बीजेपी की होंगी या कांग्रेस के खाते? बीजेपी की आएंगी, पूरी सीटें बीजेपी की। बीजेपी को सपोर्ट करते हो, वोट किसको दोगे? किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। कैंडिडेट जो अपने वो सुभेंदर नंद जो उनको देंगे। बिल्कुल, तो पूरा आपने तो मानस बना लिया। बिल्कुल उन्हें करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास चौधरी। विकास जी, क्या लगता है, क्या है राजस्थान की जनता का मन, कैसे देखते हो? राजस्थान की जनता का मन 25 की 25 सौ गए, आधी भी नहीं आएंगे अब की बात, आधी से भी कम सीटें आएंगी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम कांग्रेस। कांग्रेस? बिल्कुल। किसको दोगे वोट? अभी अमरा राम जी, कांग्रेस अमरा राम। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देंगे हम राजस्थान। सूपड़ा साफ तो बीजेपी का होगा। बीजेपी ने तो आज भी, योगी जी ने भी कह दिया कि 25 की 25 लोकसभा सीटें हमारी हैं। बीजेपी को डर है की बार, तभी तो बीजेपी एक एक डिस्ट्रिक्ट में, जो जहाँ एक लोकसभा क्षेत्र है वहाँ कम से कम 5-5 सभा करवा रही है। बीजेपी को डर है तभी तो 5-5 सभा करवा रही है। अभी 10 दिन पहले योगी वो आए थे अमित शाह जी सीकर में, रोड शो किया था, आज योगी जी आए, कल भजनलाल जी आए थे और मोदी जी। वो तो कह रहे हैं हम सभाएं इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जनता को हमारे ऊपर विश्वास बना रहे, और कांग्रेस इसलिए नहीं करवा रही कि कांग्रेस को डर है कि कहीं आएंगे तो जनता वोट ही नहीं देगी। जनता का विश्वास तो उठ चुका बीजेपी से। बीजेपी तो कह नहीं रही कि हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया, उन्होंने तो प्रचंड बहुमत के साथ कह दिया, खुद प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि 25 सीटें वो हमारे खाते में जाएंगे और कांग्रेस को हम टिकने नहीं देंगे। जो प्रधानमंत्री जुमलेबाजी झूठ बोलते हैं वो जनता समझ चुकी है। कल सोनिया गांधी जी आई थी, उनकी रैली में भी ज्यादा तादाद दिखी नहीं लोगों? बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, जयपुर के अंदर भीड़ माई नहीं, इतनी भीड़ थी कल जयपुर में। आज 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 योगी जी के लिए क्या कहना चाहोगे? योगी जी आए थे, क्या लगता है? योगी जी के लिए 2,500 आदमी थे आज हमारे यहाँ, पास में ही सभा थी लाखनी में, 2,500 आदमी थे, 5,000 कुर्सी थी वहाँ टोटल, जिनमें आधी कुर्सी खाली पड़ी थी। क्या लगता है, तो इसका मतलब जीतेगी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ कहना है बीजेपी के लिए, कुछ है मन में? बीजेपी को पूरी झूठी है, क्या कहना है बीजेपी के लिए? अभी एक शब्द में अगर बीजेपी को कुछ कहना हो, क्या डिफाइन करना चाहोगे?
बीजेपी जितनी झूठी होती है उतनी झूठी है, जो जो देश का प्रधानमंत्री है वही झूठा है, तो बीजेपी कहाँ बच गई फिर? आम जनता तो नहीं कह रही, आम जनता तो कह रही है हमें तो विश्वास है। हम आम जनता ही तो हैं और हम कौन सी मंत्री हैं? लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं है प्रधानमंत्री में। विश्वास कहाँ, तो हर बार जैसे अभी तीसरा चुनाव है, इससे पहले दो चुनाव हो चुके, उनमें बोल रहे थे कि हम यमुना का पानी लाएंगे शेखावटी में, यमुना का पानी। ये तीसरा चुनाव है उसी पानी के मुद्दे पे। प्रधानमंत्री को मोदी को नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को बनाना चाहते? बिल्कुल। ये यूथ था, यूथ का कहना है कि वो साफ तौर पर कुछ बीजेपी वाले भी हैं, कुछ कांग्रेस वाले भी, सबका अपना अपना मानस है, सबने अपनी अपनी। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो मोदी सबसे नंबर एक है और वो देवता है, हमारे लिए देवता है मोदी। तो मोदी जी के काम से प्रभावित हो? बिल्कुल प्रभावित हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरे को पता है कि मतलब हम कैसे रहते थे, लेकिन आज हमारे पास में क्या क्या इन्होंने सुविधा कर दी, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, अच्छे अच्छे हथियार कर दिए। लेकिन कल सभा के दौरान खुद कह रही है कि सोनिया गांधी कह रही है, खुद उनकी बेटी कह रही है, राहुल गांधी कह रहा है कि भ्रष्टाचार में नंबर वन हो गया। अरे ऐसे कहने से थोड़ा होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत अच्छा है। उनके समर्थक भी कह रहे भ्रष्टाचार में देश नंबर वन हो गया। कब का है, कौन कहता है नंबर एक हो गया? नंबर एक वर्ल्ड में नंबर एक है इंडिया हमारा, आज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर नंबर एक है टॉप में, अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो मोदी जी का सपोर्ट है? मोदी जी का फुल। बाबा आपसे जानूंगी, क्या लगता है बीजेपी जीतेगी राजस्थान में? राजस्थान में सभी जीत, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम जीतने नहीं देंगे। वो तो सभी कहते हैं, कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी को? पार्टियां साहब हो गए, नहीं साहब हो गया पार्टियां साहब ने कांग्रेस का, तो और आगे आने वाले 3 साल में वो चेंजिंग हो जाएगा, आज तक किसी ने नहीं देखा ऐसा हो जाएगा ये। लेकिन सोनिया गांधी कल आई और वो कल कह के गई है कि मोदी भ्रष्टाचार में देश को नंबर वन कर दिया मोदी ने, और मोदी खुद भ्रष्ट है। कहाँ सबूत है? सबूत बताओ ना कहीं पे, यहाँ भ्रष्ट है कहीं सोच साबुत करे, अच्छा मुझे करने से तो थोड़ा ही हो जाएगा भ्रष्टाचार, लेकिन कहीं साबुत करके बताओ या किसी को अरेस्ट करके बताओ कि ये भ्रष्ट है और इसको अरेस्ट कर लिया, ऐसे कोई किसी को बिना भ्रष्ट किए कोई अरेस्ट नहीं करता। वो दावे के साथ कह रहे हैं हमने बहुत सारा काम किया है। नहीं काम तो किया है और काम तो होगा, अभी बाकी है काम, जो होना है वो तो बाकी है, अभी वो होगा। अब काम कौन करेगा? मोदी जी। मोदी जी करेंगे, पूरा सपोर्ट है मोदी जी को, पूरा सपोर्ट है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। इससे बड़ा सेल शायद नहीं मिलेगा, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंस, सबके बेस्ट डील्स। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता वहीं पर हैं, विशाल बैरिस्टो से हम जुड़ते हैं और उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, ये कौन सा इलाका दौसा में है? क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए लालचंद, ये मेन शहर है दौसा का, और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से ही भीड़ जमा होने लगी थी, और मैं जितनी दूर देख पा रहा हूँ उतनी दूर तक लोगों ने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं, उनकी फोटो खींचने के लिए बेकरार है। हर वर्ग का इंसान, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं खासतौर से प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी है, और एक उत्सव का माहौल है यहाँ दौसा के अंदर। दौसा में प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार हो रहा था कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, और अब वो घड़ी आ गई है, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है लोगों के अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। सबने अपने हाथों में मोबाइल ले रखे हैं और सड़क के दोनों तरफ स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, और लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए उत्साहित है और चाहते हैं किसी तरह उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर ले। ये जो रोड शो है ये शुरू हुआ सोमनाथ सर्कल से,
और करीब 1.25 किलोमीटर का ये सफर है और इस सफर को यादगार बनाने के लिए लोग अपनी बालकनियों में आ गए हैं। मैं देख सकता हूँ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। एक बुजुर्ग महिला पिछले 2 घंटे से अपनी बालकनी में बैठी हुई है मेरे सामने और अब वो घड़ी आ गई है कि जब वो देख पा रही है और उन्होंने अपनी बहू से कहा है कि इस मोबाइल पर मोदी जी के वीडियो बनाकर मुझे दो। तो ठीक मेरे सड़क के दूसरी तरफ वो पहली मंजिल पर बैठी हुई है। तो एक बहुत एक्साइटमेंट का माहौल है। बीजेपी हमेशा से प्राइम मिनिस्टर पर बैंक करती है हर चुनाव में। आप देख सकते हैं शोर बढ़ रहा है, तालियां बज रही है जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। लालचंद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो दौसा है वो पहले राजेश पायलट वहाँ के बड़े नेता होते थे, आजकल उनके सुपुत्र सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और कई तरह की बातें, कई तरह की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन ये दौसा वही दौसा है जहाँ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दौसा का जो चुनावी माहौल है विशाल, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? देखिए लालचंद, आपने ठीक कहा, दौसा राजेश पायलट का गढ़ होता था। राजेश पायलट हालांकि राजस्थान से नहीं थे लेकिन उन्होंने दौसा को चुना। दौसा गुर्जर समुदाय भी के अच्छी खासी पैठ है यहाँ पर, लेकिन ये जनरल कैटेगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर मीणा समुदाय के लोग काफी ज्यादा है और यही वजह है कि बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है और उनका सामना कर रहे हैं मुरारी लाल मीणा। तो ये मीणा वर्सेस मीणा की जो लड़ाई है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप शोर सुन पा रहे होंगे, इतने एक्साइटेड है लोग और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मेरे सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है, उनके दाहिनी तरफ है कन्हैया लाल मीणा जो दौसा से बीजेपी के कैंडिडेट है और उनके बाई तरफ है किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मीणा समुदाय में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, केंद्रीय माफ कीजिए राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है भजन लाल सरकार के अंदर और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ का हुजूम दौड़ा चला आ रहा है मेरी तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला मेरी तरफ आ बढ़ा है। लालचंद बिल्कुल, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ में काफी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी खबर है कि इस रोड शो के लिए 4 मंच हैं और 10 जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ उसी दूर लोग जो है दोनों तरफ सड़कों के दोनों तरफ मौजूद है और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगता है विशाल की आवाज कहीं ना कहीं संपर्क उनसे टूट रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो बता रहे थे कि किस तरह से दौसा इलाका जो है वो राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर आज रोड शो है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहीं से देख रहे हैं, दौसा से। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो अपने आप में दौसा में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की कहानी को बयां कर रही हैं। जी, लोकप्रियता की प्राइम मिनिस्टर की तो है उसकी बात, साथ साथ आपको हमें ये भी देखना होगा कि जब हम लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र का ये उत्सव है तो उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि लोग किस तरह से जोग दर जोग आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का रोड शो अगर आपने तमिलनाडु का भी देखा होगा, चेन्नई का भी देखा होगा, आप केरल का भी देखा होगा, आप दूसरे जगह के स्टेट के भी प्राइम मिनिस्टर का रोड शो आपने देखा है इस इलेक्शन के टाइम में, तो ये जब चीजें आपको दिखाई देती है तब आप अगर याद कीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कल ही जो हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो कम से कम राजनीति के में जो पंडित हैं और राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए एक अध्ययन का विषय होगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप उस रोड शो में लोगों के उत्साह और उमंग को देखते हैं
तो आप यकीन मानिए कि ये उमंग और ये लहर लोगों ने क्रिएट किया है। जो लोग में जो आप देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं उनके अभिभावकों को लेके और बार बार उनके चेहरों पे जो आप चमक देखते हैं, तो ये जरूर ही अध्ययन की चीज है कि तीसरी बार के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अगर इस तरह का जोश अगर लोगों में है तो शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखाई दे होगी कि थर्ड टर्म के लिए वहां किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए इतनी ललक होगी, इतनी लहर होगी। लाल जी बिल्कुल, आप जब प्रधानमंत्री की बात का जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि इस बार की चुनाव की झलक तो जमीन पर दिखाई पड़ रही है और लोग खुद ही नारा लगा रहे हैं, क्या वैसी ही झलक इस समय दौसा से दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, आप जब दौसा की नजारा को आप देखते हैं और इस गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में आप देखिए कि वहाँ के टेम्परेचर को आप अंदाज कीजिए और लोगों के इस भीड़ को जब आप देखते हैं तो आप देखिए घंटों इंतजार करके दोनों बगल लोग जो खड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक झलक नहीं देखना चाहते हैं, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में अपने उत्साह और उमंग को भी दिखाना चाह रहे हैं। तो और हर को प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देखिए कि उस तरीके से तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कितने हुजूम में कारवा चला हुआ है। अब उस कारवा के तक पहुंचते पहुंचते प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 1-2 किलोमीटर चले होंगे। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ इतने किलोमीटर तक ऐसे ही लोग खड़े हुए हैं, तो ये मानना पड़ेगा जो बात आप कह रहे थे कि ये जो लहर है उस जनता में ये लहर रही है। और फ्रंट फुट पे अगर आप कहिए कि इस चुनाव में अगर कोई खेल रही है तो वो जनता खेल रही है, राजनीतिक दल तो और राजनीतिक नेता तो पीछे है। और ये चीजें जब आप मोदी को देखते हैं और उनके साथ में वो जुलूस और उनके साथ में रोड शो का वो नजारा देखते हैं तो अद्भुत, ये शायद दुनिया के शायद किसी कंट्री में अपने किसी शासक अपने किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नजारा हमें कभी देखने को नहीं मिला था। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विदेशी मेहमान नेता के साथ जब उनको लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो जो लोगों का रिस्पांस होता है उसको देख करके कई विदेशी, बड़े विदेशी नेता भी कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो भारत में ही मिलती है, ये कहीं और नहीं मिल पाती इतनी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस। लेकिन अभी जैसे विशाल बैरिस्टो से हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता से, तो विशाल बैरिस्टो ने बताया कि दौसा में मीणा वर्सेस मीणा इस बार है और हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी वहाँ रोड शो किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो कर रहे हैं। नदी में इस कास्ट के समीकरण की जब बात आती है और जब ये राजनीतिक पंडित लोग ये कास्ट इक्वेशन को मिलाते हैं और बताते हैं तो शायद ये इतना यकीन करने वाला नहीं रहता है। किसी इलाके में मान लीजिए किसी की 10% सीट होगी, कास्ट का इक्वेशन होगा 20-15% होगा, लेकिन क्या ये सारे कास्ट में और सारे लोग जब तक नहीं मिलते अक्रॉस पूरे सोसाइटी तब तक आप जानते, हमें लगता है कि कोई पार्टी कैंडिडेट वहां पे अपना जीत का दावा कर सकता है, तो मुझे उन चीजों पे उतना भरोसा नहीं है। हमें ये भरोसा है कि जब आप ये लोगों में उत्साह और ललक देखते हैं, ये हाथ हिलाते हुए लहराते हुए लोगों की आप तस्वीर देखते हैं कि हर एक हाथ उस भीड़ में से खड़ी हुई है, हर उस भीड़ में से खड़ा है, तो इसमें आप कास्ट तो कम से कम नहीं गिन सकते कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन किसके लिए ये कर रहा है। वो पूरे उस समाज की, उस सोसाइटी की, उस पूरे एक संवेद स्वर इसको बोलते हैं। जब ये स्वर बोलता है तब आप कहते हैं कि एक नेतृत्व की बात होती है और तब आप कहते हैं कि पीएम मोदी इस दौर का सबसे बड़ा जननायक है। तो ये भीड़ बताती है, न कि हम पीएम के किसी स्पीच से और किसी इस बात से हम इस बात को समझते हैं, इन लोगों की इस भीड़ से, लोगों की उत्साह से समझते हैं कि भीड़ तो इस दौर में रोड शो में आप देख रहे होंगे सारे नेताओं की रोड शो होती है, सारे रोड नेताओं की अभी रैलियां हो रही है, लोग सब जगह वेलकम कर रहे हैं, हर जगह लोग जा रहे हैं, हर पार्टियों के नेताओं के लोगों में भीड़ जुटती है। लेकिन ये उत्साह और ये जो आंखों में चमक है, ये जो हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन है, ये शायद कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, यही फर्क है, ये फर्क नजर आ रहा है हमारे संवाददाता। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान में,
हम जानते हैं कि साल 2014 को ले लीजिए, 2019 को ले लीजिए, राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती और पिछली बार भी उनके सहयोगी के साथ मिलकर के 25 की 25 सारी सीट जीती। इस बार भी प्रधानमंत्री ने पूरा लगता है कि ऐसा फोकस कर दिया है कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस चाहिए। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है लालचंद्र, कि जिन राज्यों में वो सभी की सभी लोकसभा सीटें जीती थी वहां पर उन सभी सीटों को फिर से इस चुनाव में जीतना है और उससे मार्जिन ज्यादा हो, यानी जीत का जो अंतर है वो पिछले चुनाव के मुकाबले हर सीट पर ज्यादा हो, ये प्रयास बीजेपी कर रही है। इसलिए हर सीट पर, हर बूथ पर 370 मत ज्यादा मिले, इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इन तस्वीरों से बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो बहुत उनको उनकी आशा बढ़ी भी होगी कि जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों में उभर रही भीड़ से बीजेपी को लगता है कि उनका जो एक लक्ष्य है 400 सीटों का एनडीए के साथ 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर इस लोकसभा चुनाव में जीते, उसके लिए राज्य दर राज जो रणनीति बनाई गई है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उन्होंने जो अथक मेहनत की है पिछले 10 वर्षों में, जो देश में तमाम क्रांतिकारी काम हुए हैं, बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव लोगों के जीवन में आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो जमीनी स्तर पर बढ़ा है। नए मतदाताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में सफल रही है और ये संख्या दिखाती है कि दुनिया की आज सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। और हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के नेता चुनाव के ऐलान से पहले ही और लगातार हम देख रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण या तो बढ़ रहा है या फिर बीजेपी उसको बढ़ाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं और ये तस्वीरें उनके दावा को और पुख्ता भी करती हैं। जब हम देखते हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का तमिलनाडु हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा रोड शो में भागीदार होते नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक सुखद अनुभूति कराती हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में सहयोगी हैं या जिन राज्यों में वो अपने दम पर ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे राज्यों में निश्चित तौर पर उन्हें अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी चुनाव होता है राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन जब आप पहले से ही किसी राज्य में शानदार प्रदर्शन कर चुके होते हैं तो एक चुनौती होती है उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की, और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए 2014 के मुकाबले 19 में मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था और बीजेपी ने उसमें एक सफलता हासिल की थी, और 19 के मुकाबले अब 24 में बीजेपी ने उस मत प्रतिशत को और आगे ले जाने का रखा है, जिससे कि शानदार सफलता उन राज्यों में भी हासिल की जा सके जहां पर हमने देखा था कि एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, गुजरात जैसे राज्य हो या राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य जहां पर हमने देखे कि शानदार सफलता मिली थी। तो इस तरह से राज्य दर राज बीजेपी की रणनीति है, और अगर आप क्षेत्रवार देखें तो बीजेपी की कोशिश यह है कि इस बार दक्षिण भारत से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, उत्तर पूर्व में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, और जिन राज्यों में पहले से ही शानदार सफलता हासिल की गई है वहां अपने प्रत्याशियों के जीत का प्रतिशत आगे ले जा सके। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उससे सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम देख रहे हैं कि जमकर मेहनत कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को लगता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में जो 10 सालों में जो काम हुआ है और जो संगठन ने जिस काम को जिस तरह से जनता के बीच ले जाने का काम किया है उसका एक फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और ये तस्वीरें जरूर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए एक सुखद अनुभव करा रही होंगी। लालचंद, बिल्कुल, ये तस्वीरें वहाँ से जो दिखाई पड़ रही हैं दौसा से वो भी बहुत कुछ अनुभव करा रही हैं। एक बात शैलेंद्र, कि हम जानते हैं कि दौसा की जब बात होती है तो पायलट का नाम आता है, राजेश पायलट और अब सचिन पायलट, लेकिन 2014 रहा हो या फिर 2019 भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भी परचम लहराया था, क्या इस बार यह सीट जो है वो हॉट सीट की श्रेणी में है दौसा? ये देखिए लालचंद, निश्चित तौर पर आप भले ही आप ये कहें
कि या हम जानते हैं कि अगर आप पूर्व के राजनीतिक इतिहास को देखें राजस्थान के, तो पायलट परिवार का एक अच्छा खासा प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता था। लेकिन आप 2019 की चुनावी सफलता देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी और उसको बीजेपी दोहराना चाहेगी इस पूरे क्षेत्र में। और यही वजह है कि आप जयपुर के आसपास भी देखें या फिर दौसा के इलाकों को देखें, कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो राजस्थान से आते हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सबने अपनी पूरी ताकत लगाई है। और हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी धुआंधार दौरे हो रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चुनौती इस बात की है कि इन सीटों पर कुछ मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि जिन सीटों को जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में राजस्थान में, उन सभी सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करे। और यही वजह है कि बूथवार एक रणनीति बनाई गई है और एक बात कही गई है कि हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार कमल का फूल है, यानी कमल के फूल को देखें जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, उम्मीदवार की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है, उनका जो लोकप्रिय चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के रणनीतिक लिहाज से। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है। विनोद जी हमारे साथ अगर जुड़े हों तो विनोद जी के पास चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ में विशाल बैरिस्टो भी हमारे संवाददाता हैं जो दौसा से ही जुड़े हुए हैं। मैं पहले विशाल के पास ही चलता हूं और विशाल से अपडेट लेता हूं। विशाल, प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल बढ़ते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं विशाल की राजस्थान में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस समय गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग आए हैं अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। हाँ लालचंद, बिल्कुल ठीक है आपने, गर्मी अपने जोरों पर है और ना सिर्फ गर्मी है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी कटाई का सीजन भी चल रहा है और इसके साथ शादियों का सीजन भी जोरों पर है। ऐसे में गर्मी, शादियां और अपनी खेती, वो सब लोग छोड़ के अगर प्रधानमंत्री को देखने के लिए अपने अपने मोबाइल लेकर आते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बीजेपी के एडवांटेज में ये साफ जाता है। आपने शैलेंद्र से पूछा था कि क्या दौसा हॉट सीट है, डेफिनेटली दौसा हॉट सीट है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि दौसा एक जनरल सीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने, क्योंकि ये मीणा बहुल क्षेत्र है इसलिए मीणा कैंडिडेट्स को उतारा है, नैया लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा पर अपना दाव लगाया है और दोनों में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है और उस पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बीजेपी को, वो बीजेपी के एडवांटेज में जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से सिर्फ कॉम्पिटिशन मिल रहा है बीजेपी को, अगर हम ग्राउंड रियालिटीज की बात करें, खासतौर से दौसा की सीट पर। आप जानते हैं कि दौसा परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं 2014 के बाद से बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली है और बीजेपी इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना जो उन्होंने बढ़ोतरी हासिल की है उसको, अपने दबदबे को बनाए रखना चाहती है। मैंने करौली में विनय सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की थी जो राजस्थान के चुनावी इंचार्ज है बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि इस बार हमारा मुकाबला खुद हम ही से है, यानी कि बीजेपी इज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट बीजेपी इज लास्ट परफॉर्मेंस, हम हर बूथ पर 50% से ज्यादा, पहले से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 24-1 का स्कोर रहा था, 24 सीटें बीजेपी के खाते में रही थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल विजय घोषित हुए थे नागौर से, और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा था। और ये लगातार दूसरी बार है जब 2014 और 2019 में जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार आ गई है, विधानसभा चुनाव उन्होंने जिससे हमें फाइनल पूरे मीडिया बता रहा था इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस को, उसको जीता, तो ये एक टेस्ट भी है भजन लाल सरकार के लिए। और जाहिर सी बात है बीजेपी चाहेगी कि उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। करौली में प्रधानमंत्री ने पीने के पानी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त से पीने के पानी की समस्या है, हम हर घर जल पहुंचा रहे हैं नल के जरिए, लेकिन इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको भी हमने सफलतापूर्वक साइन कर दिया है, अग्रीमेंट साइन किया है हरियाणा के साथ, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का जरूर फायदा मिलता है। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर लंबे समय से, चाहे वो कावेरी डिस्प्यूट हो, वाटर डिस्प्यूट हो, चला आ रहा है और वो पानी
का कोई फैसला ही नहीं हो पाता, पानी समुद्र में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार हो, और इसलिए उन्होंने वोटर्स से कहा कि आप बीजेपी को वोट इसलिए दीजिए क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी ना मौज करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी ना आराम करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी पैदा हुआ है मेहनत करने के लिए, और मेरा एक ही सपना है भारत को विकसित देश बनाना 2047 में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली की जनसभा में ऐलान किया है। लालचंद्र, बिल्कुल ये ऐलान किया है वहाँ की जनसभा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन चीज़ों को लेकर के कहते हैं और प्रधानमंत्री बार बार इस पर जोर देते हैं। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा, दर्शकों तक ये ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा आपके ज़रिए, कि आपने पहले भी बड़े बड़े रोड शो देखे होंगे, प्रधानमंत्रियों के भी रोड शो देखे होंगे, आपको पहले के रोड शो में, पहले के प्रधानमंत्रियों के रोड शो में और अभी के प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में क्या फर्क नजर आता है? देखिए लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के और भारतीय चुनाव का जो दुनिया भर में आकर्षण है वो यही है कि लोग इसमें खुल के जुटते हैं और लोग जो है अपने अपने नेताओं का उत्साह भी बढ़ाते हैं। ये अमूमन हर पार्टियों के लिए आप देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब लोग कंपैरिजन करते हैं, इसी चुनाव में लोगों के पास में एक पूरा का पूरा हम लोगों से ज्यादा अनुभव है, वहाँ लोगों के पास में लोग 5 बार 6 बार से वोट दे रहे हैं, तो उनको एक अनुभव होता है अपने राजनेताओं को, अपने नेताओं को लेके कि और परफॉर्मेंस को लेके। तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसा कि हमारे दोनों रिपोर्टर भी बता रहे थे, शैलेंद्र भी बता रहे थे, विशाल भी बता रहे थे कि ये दौसा जो है वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि पायलट का गढ़ है। सचिन पायलट से लेके राजेश पायलट तक ने यहाँ पे अपनी पूरी पूंजी लगाई है। तो अब ये है, अभी भी इस बार भी इस प्रचंड लहर के बाद भी आप ये देखिए कि दो विधायक जो है वो सचिन पायलट के समर्थक वहाँ जीते हैं जी। और इस बार भी जो कैंडिडेट है वो भी सचिन पायलट के समर्थक विधायक जो है उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के दारोमदार सचिन पायलट का है वहाँ से अपने नेता के लिए सब कुछ करना। अब उसमें अशोक गहलोत कितना उसमें भूमिका निभाते हैं ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये खूबी है कि जब आप देखिए कि वहाँ विधानसभा चुनाव में इतनी प्रचंड बहुमत से जीत के आने के बाद बीजेपी ने सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भजनलाल शर्मा को चुन के और उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ये शायद दुनिया में आप कह सकते हैं, भारत में तो कम से कम नहीं ही ऐसा होता होगा कि आप एक अनसंग जो आपके कार्यकर्ता है उसको उठा के आप सीएम बना देते हैं। ये हमने देखा एमपी में भी देखा, ये हमने राजस्थान में भी देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, वो नेता को लाके आप फ्रंट पे लाते हैं जो नेता आपके अंतिम कतार में बैठे हुए होते हैं। तो ये जो उत्साह है यहाँ कार्यकर्ताओं की, शायद ये उत्साह दूसरी पार्टियों में नहीं होती है क्योंकि हर कार्यकर्ता वहाँ पे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी से कनेक्ट है। हर कार्यकर्ता की जो अपील, पीएम की जब अपील होती है तो वो हर कार्यकर्ता के साथ सामने से वो अपील को वो एकदम ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे लगता है कि एक कप्तान का आया हुआ वो आदेश है। तो ये जो स्पिरिट है, टीम स्पिरिट, ये बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी है जो शैलेंद्र भी बता रहे थे। उस टीम स्पिरिट के साथ में आप ये देखिए ये जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो भी इस भीड़ के साथ में है कि एक एक कार्यकर्ता इस दौसा के इसमें जुटे होंगे और उसके साथ लोगों का जो आकर्षण है पीएम मोदी का वो उसका एक प्लस पॉइंट होता है, वो एडवांटेज देता है जिसको आप वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसा रोड शो, आप जब कह रहे थे कि रोड शो ऐसा क्यों नहीं होता दूसरे का, तो रोड शो होता है। आप इस शहर में आप घूम ले 1 किलोमीटर के दौड़ में तो बहुत लोग देखने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन ये लंबा रोड शो कहीं 5 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर, गुजरात में हम लोगों ने पिछली बार देखा 18 किलोमीटर का रोड शो, और उस इतने बड़े रोड शो में दोनों बगल लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े हैं, हजारों हजार के संख्या में खड़े हैं। अच्छा दौसा का ही सीन दिख लीजिए, आपको लग नहीं रहा होगा कि कोई उसमें से जवान हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, जो घर में होंगे वो सब के सब निकल के बाहर आए होंगे पीएम मोदी को एक तरह से अभिवादन देने के लिए, एक तरह से उसका अभिवादन लेने के लिए। तो ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये नरेंद्र मोदी को इस दौर का सबसे बड़ा जननायक बनाता है। तो इसके पीछे ये लोगों का आकर्षण है, इसके पीछे लोगों का उत्साह है,
इस उत्साह को जोड़ने में वहाँ के वो कार्यकर्ता भी है, वहाँ के वो लोकल जो वहाँ के वहाँ पे टीम है उसकी भी है कि वो इस मोमेंटम को बनाते हैं सिर्फ इस बात से कि मोदी अपने हर कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो सबके साथ कनेक्टेड है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है लाल जी। और वो कनेक्शन ना, वो कनेक्शन बिल्कुल जिसको कहते हैं रेसिप्रोकेट होना, वो दिखाई पड़ता है दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जिस तरह से अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं और जिस तरह से वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय भी अभिवादन का आदान प्रदान करती है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज जैसे प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो रहा है, दो जनसभाएं भी प्रधानमंत्री ने की उधमपुर में और बाड़मेर में, तो प्रधानमंत्री का जो ये चुनावी कार्यक्रम तय होता है इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है क्या, कि जिसमें कि जनसभाएं भी हों, रोड शो भी होते रहें प्रधानमंत्री के देश के अलग अलग हिस्सों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना संभव हो सके उतनी उनकी उनके कार्यक्रम प्रस्तावित करती है और उसमें जनसभाएं हो, रोड शो हो और बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो, यहाँ भी महत्वपूर्ण जगहों पर हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो दिखाई दे रहा है, रोड शो हो रहा है। हमने चेन्नई में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जहाँ पर पूरे तमिलनाडु में पहले चरण में मतदान होना है। राजस्थान में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। इसके साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश की जो जो सांस्कृतिक नगरी है जब वहाँ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा और तमाम हम धुआंधार जनसभाएं तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभा के साथ साथ रोड शो आयोजित कर रही है। इसकी एक वजह भी है, बीजेपी बखूबी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है वो आम जनता के साथ कितना गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद में यकीन करते हैं और जितना संभव होता है वो विभिन्न राज्यों के दौरे करते हैं, वहाँ लोगों से संवाद करते हैं और उनका एक सीधा कनेक्ट खासतौर पर हम युवा वोटर्स में और महिला जो वोटर्स हैं जो लाभार्थी योजनाओं से जिनको फायदा हुआ है, जो कल्याणकारी योजनाओं से जिनका जीवन बदला है, उनमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विशेष प्रेम दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने तमाम योजनाओं से उनका जीवन बदला है। तो वो एक कनेक्ट दिखता है और दुनिया के एक सबसे बेहतरीन भाषण शैली वाले नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। तो कैसे जनता से कनेक्ट करना है चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं और जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ के स्थानीय जो परिवेश होता है उससे कनेक्ट होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति होती है उसकी उसका जिक्र करते हैं। तो इससे लोगों को के बीच कनेक्ट होने में एक तरह से बहुत आसानी भी होती है और एक रिस्पांस दिखाई देता है। विनोद जी बात कर रहे थे कि बाकी नेताओं की भी जनसभा होती है, बाकी नेताओं के भी रोड शो होते हैं, लेकिन वो कनेक्ट शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनके चुनावी जनसभाओं में दिखाई देता है वो बाकी नेताओं में नहीं दिखाई देता। उसकी वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है लोगों से जुड़ने की वो अलहदा है, वो बहुत शानदार है और दुनिया इस बात को जानती है, तभी तमाम सर्वे में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर आते हैं। और बीजेपी के लिए तो एक तरह से बीजेपी इस बात को जानती है कि उनके लोकप्रिय नेतृत्व में वो चुनाव दर चुनाव एक नई सफलता हासिल करती जा रही है, चाहे राज्यों के चुनाव हो या फिर 2014-2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर बीजेपी 2024 में जो एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। तो इन तस्वीरों में दिखता भी है, जब कोई घंटों से इंतजार करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कोई छात्र कलाकृति बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है, कोई महिला ये बताना चाहती है कि कैसे उसका जीवन बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की योजनाओं से, तो वो कनेक्ट दिखता है। चुनाव जब नहीं भी हो रहा होता हम देखते हैं कि जो तमाम सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगती है वो प्रयास करते हैं कि लोगों से वो संवाद कर सकें और वो एक सिलसिला निरंतर चलता है और ये कोई एक दिन या एक वर्ष में नहीं हुआ। लालचंद, हमने देखा है कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर और उससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अथक परिश्रम किया है जिससे कि एक सकारात्मक बदलाव पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और देश में
प्रधानमंत्री के तौर पर वो लाने में सफल हुए हैं, तो वो एक झलक इन तस्वीरों में दिखाई देती है, ऐसे रोड शो में दिखाई देती है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी कर रहे थे। तो ये तस्वीर बताती है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब कोई नेता मेहनत करता है, जब कोई नेता जनता के कल्याण के लिए तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करता है, तो उस नेता को जनता का प्यार मिलता है, जनता का रिस्पॉन्स मिलता है, और इस तरह की तस्वीरें उस बात की गवाही भी देती है। तो आप देख रहे हैं जगह जगह जो रोड शो हो रहे हैं उसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है लालचंद। बिल्कुल, ये तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं उन्हीं में से ये दौसा की तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज ये रोड शो हो रहा है दौसा में, प्रधानमंत्री का जो जनसंघ के ज़माने के वरिष्ठ नेता गोवर्धन लाल बढ़ेरा थे, बढ़ेरा हैं, उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम था। विशाल, आप तक आवाज आ रही है? विशाल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। विनोद मिश्र जी के पास चलते हैं। विनोद जी अगर जुड़े हुए हों, विनोद जी, जिस तरह से कि अभी प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है, इससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है उसमें उनकी दो कोशिशें हैं, एक तो जहां पर सफलता मिली है उसको कायम रखा जा सके, और बाकी जहां पर सफलता नहीं मिली थी उन वहां पर भी जीत दर्ज की जाए। तो उसी के तहत ये पहले प्रयास के तहत कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें वहां पर कमल खिले, इसके तहत प्रधानमंत्री की ये कोशिश। डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बीजेपी की ये पूरी कोशिश होगी कि कम से कम उस अपने परफॉर्मेंस को 2019 के परफॉर्मेंस को कम से कम वो सामने में लाए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि यहाँ पे और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या दूसरी और पार्टियां हैं, बीएसपी भी वहाँ है, हर पार्टियों की अपनी जरूर कोशिश होगी कि वो भी कम से कम वहाँ अपनी उपस्थिति में एक बढ़िया प्रेजेंस दिखाए। तो ये चीजें तो अपने आप में ये है, ये आप कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में और इस चुनाव में इसको आप एक बड़ा ये मान सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती है। शायद कांग्रेस भी उसी तरह की कोशिश कर रही होगी या बीएसपी भी कर रही होगी, जो जिस तरह की कोशिशें आप ये देख रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जनता के बीच में जाने के पास में आपके सामने में मुद्दे क्या है। जनता में जब पीएम मोदी जाते हैं और मोदी की गारंटी बोलते हैं, तो मोदी की गारंटी कहने के साथ में जनता को वो चीजें सामने में दिखती है, और जब वो दिखती है तब उसे लगता है कि ये नेतृत्व है जो कम से कम जो कहा वो किया और करके दिखाने वाला वो नेतृत्व होता है। तब ये तीसरे टर्म के लिए लोगों में आप एक ललक देखते हैं और एक तरह से विश्वास देखते हैं। ये पूरे के पूरे चीज जनता से किसी नेता का जो एक लिंक होता है, जो आप ही सेनेटर बता रहे थे, उसमें विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर होता है लाल जी। आज के दौर में नेतृत्व को सबसे बड़ा ये उसके चैलेंज होती है कि लोगों में वो विश्वास पैदा करे, लोगों में वो विश्वास पैदा करे कि उसके नेतृत्व देने की क्षमता उस पर है। अभी आप देख लीजिए कि जितने भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे में ये कहा पूछा जाता है कि अगर वो पहला सबसे पहला वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल क्या होता है, तो उसका जवाब होता है कि सबसे पहले उनके मन में पीएम कैंडिडेट होता है। तो इस पीएम कैंडिडेट के नाम पे, एक नेतृत्व के नाम पे जब इंडिया गठबंधन के सामने में लोग देखते हैं तो शायद अभी उसके सामने में कोई चेहरा नहीं दिखता है। तो हम लोग बात कर रहे थे लाल जी, अपने कई अभी अपने प्रोग्राम सब में इसकी चर्चा की है कि इस बार भी लोगों के मन में और मुद्दे के अलावा स्टेबिलिटी भी एक बड़ा मुद्दा है स्थायित्व का। तो 30 साल से ज्यादा हुए इस देश ने देखा है मिलीजुली सरकारों का, और मिलीजुली सरकारों का हश्र क्या होता है ये भी लोगों ने देखा है। तो ये कम से कम 2014 से नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इस सत्ता के शीर्ष पे आने के बाद, जो लोगों ने स्टेबिलिटी देखा उसके साथ बड़े फैसले भी देखे हैं। क्या ये देश कभी कल्पना कर सकता था कि आर्टिकल 370 हट जाएगा? क्या ये देश कल्पना कर सकता था कि 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला अपने उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे? क्या ये देश कंप्लेन ये इस तरह का कल्पना कोई देश के लोग कर सकते थे कि इस देश में एक देश का एक टैक्स होगा? तो इतने सारे बदलाव लोगों ने देखा है, उसके बरक्स में जब आप अपोजिशन में देखते हैं तो जब उसके लिए वो तर्क करते हैं, तो अगर राहुल जी
सीधे सीधे वो जीएसटी पे चैलेंज करते हैं तो वो अपना फेलियर नहीं बताते हैं कि ये जीएसटी कम से कम यूपीए के दौर का आइडिया था या उससे पहले बीजेपी के समय भी एक बार चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, जो आपको याद होगा अपने कवर करने के दौरान। लेकिन क्यों नहीं ले पाए तो इसके पीछे कारण होता था स्थायित्व, कि उस सरकारों में एक बड़े फैसले लेने का वो दम नहीं होता था, एक मोरल जिसको आप बोलते हैं वो मोरल उसका उस तरह में उतना हाई नहीं होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में ये कम से कम आज कई लोगों को शिकायत नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस फैसला लेने में कभी भी किसी तरह का हिचक करेंगे। तो ये राजस्थान के दौसा में जो आप देख रहे हैं तो लोगों के सामने में एक चेहरा वो भी होता है कि ये फैसला लेने वाला लीडर है। बिल्कुल। और ये फैसला लेने वाला जो लीडर का जो एक इमेज होता है लाल जी, उसको हम आप बेहतर जान सकते हैं कि उसका एक परिवार में भी जो फैसला लेने वाला गार्जियन होता है उसकी भी एक अलग भूमिका होती है। तो ये जो दौर में इलेक्शन हम देख रहे हैं उसमें जब आप देखते हैं उसमें जो अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं उसके बरक्स में लोग इन चीजों से कंपैरिजन करते हैं। अब राहुल गांधी जब कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट 1,00,000 रुपए का पहला किस्त 8,500 रुपए आएगा जी, कैसे यकीन कर ले लोग कि वो रात के बाद अगले सुबह उठेगा उसके अकाउंट में 8,500 रुपए आके पड़े होंगे। लेकिन लोगों को ये यकीन मोदी ने दिलाया है कि जो किसान सम्मान निधि है उसके उसके तिमाही किस्त सेम डेट को उसके अकाउंट में पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज जब आप देखते हैं तो लोग आज की तारीख में बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, अवेयर हैं। कई दशकों के बाद लोग इतने अवेयर हुए हैं इलेक्शंस में पिछले वर्षों से, तो उनको आप नैरेटिव से भरवा नहीं सकते हैं। उनके लिए आप सामने में एक ठोस मुद्दा लेके जाना पड़ेगा। आप अगर कहते हैं यूपीए में आप एनडीए इंडिया गठबंधन में कि भाई हम आटा से लेके डाटा तक खरीद देंगे तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि भैया ये डेटा से आटा तक जो आप आटा से डेटा तक का जो खरीदोगे ये किसका पैसा है? वो उसी लोगों का पैसा है। तो दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, ये भी लोग जानते हैं कि आप इधर से एक कान इधर से ना छुओ और इधर से दूसरा छुओ, तो वो लोगों को ही ये पता है ये तो किसी भी ना किसी रूप से ये हमें ही देना पड़ेगा, हमें ही पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बरक्स आप जब देखते हैं कि पीएम मोदी जब ठोस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, तो इस देश ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में 12 करोड़ शौचालय बन जाएंगे, इस देश ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में नल से पीने का शुद्ध जल जो है वो 8 करोड़ लोगों के घर में पहुंच जाएगा पिछले 4-5 साल में। तो ये सारी ये नहीं कल्पना की होगी कि 4 करोड़ गरीब लोगों का पक्के मकान बन जाएंगे, ये भी कल्पना नहीं की होगी कि इतने करोड़ जो बीपीएल के लोग थे उनके घरों में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। तो लाल जी ये सारे क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव लोगों ने देखा है। इस बदलाव को आप सिर्फ गरीबी हटाओ के नारा देके और अकाउंट में आपके 8,000 आएंगे और खटाखट आपके पास में सीधे 8,000 पहुंच जाएगा, इससे बात नहीं बनती है। इसके लिए करके दिखाना होता है और आपने जो अब तक नहीं किया है वो आप लोगों को भ्रम में नहीं डाल सकते हैं। लोगों को अपने नेतृत्व पे भरोसा है कि कल जो भी कुछ करेगा वो पीएम मोदी करेगा। लोग कह रहे थे कि अगर ये ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो वो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि ये करने वाला कौन है सामने में। तो वो सामने में करने वाला अगर पीएम मोदी है तो इसलिए लोगों की आप ये भीड़ देखते हैं जो उसके साथ विश्वास का ये कनेक्शन है और यही विश्वास पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल, वो आधार है विश्वास का, जो आधार है वो बंधन है, वो दौसा में भी प्रदर्शित हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थायित्व को मजबूत सरकार को भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देश भर की जनता को अपील करती हुई नजर आ रही है क्या? शैलेंद्र आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार सवाल दोहराएंगे क्या? हाँ, मैं सवाल ये कर रहा था कि स्थायित्व को और मजबूत सरकार को, स्थायी और मजबूत सरकार पर प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी के इस बार के चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्से में भी जा रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जनता को ये बखूबी पता है कि स्थायी सरकार के कितने फायदे होते हैं, और हमने देखा कि अपने दम पर 30 साल बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी, तो उसके अपने फायदे भी नजर आए हैं। राज्यों में भी जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार देखते हैं तो ऐसी सरकारें स्थायित्व देती हैं, और ये कहा जाता है कि स्थायी सरकार ही विकास की गति को आगे बढ़ा सकती है, तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। तो वो एक मुद्दा है। बीजेपी ये कहती है कि देखिए, एक तरफ केंद्रीय गठबंधन के लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए या फिर अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, और उनमें कोई विजन नहीं है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध और बीजेपी के विरोध के लिए एक हुए हैं। तो इस बात को जनता तक पहुंचाने की जोर शोर से कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, और हमने देखा है कि बीजेपी को लगता है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थायित्व का जो मुद्दा है उससे वो बीजेपी जनता को लुभाने में कामयाब होगी। और यही वजह है कि इस बात को बहुत बीजेपी कहती है कि 2014 के बाद आप देखिए, जब स्थायी सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में आई, जिसमें तमाम दलों एनडीए के साथ सहयोगियों को भी साथ लिया गया, तो उसने तमाम बड़े फैसले किए, तमाम ऐसे फैसले किए जिसका दशकों से इंतजार था, तो वो दिखाई देता है। तो स्थायी सरकार के कितने फायदे होते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता उसको पसंद करेगी, जनता उसको रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई, दो बार अगर लगातार स्थायी सरकार रही, मजबूत सरकार रही, तो उसके फायदे जो हैं वो देश भर में लोगों ने देखे, विदेशों से भी उस तरह का रिस्पांस मिला, तमाम तरह की चीज़ें हुई। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, जो ये मुद्दा है स्थायी और मजबूत सरकार का, प्रधानमंत्री इस पर भी खासा जोर दे रहे हैं, और ख़ासतौर पर उसको देश की सुरक्षा, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, उससे भी जोड़ करके बता रहे हैं कि स्थायी और मजबूत सरकार है, तभी तो किसी को, किसी आतंकवादी को उसके घर में घुसकर भी मार आते हैं। लाल जी, मैं आपके सवाल लेने से पहले जो ये जनता की और लोगों की जो भीड़ को, दौड़ते हुए भीड़ को मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो ये मुझे अद्भुत नजारा लग रहा है। ऐसा, हाँ, क्योंकि वो पीछे के लोग दौड़ करके फिर से आगे आ जा रहे हैं, तो लोग ऐसा नजारा जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि ये भारत के लोकतंत्र जो दुनिया में सबसे अलग है, शायद ही इतना सुंदर देश और इतना सुंदर लोकतंत्र शायद ही आपने दुनिया के देश में कहीं भी इस तरह के लोकतंत्र की ये खूबी देखी होगी, ये उत्साह देखा होगा जब चुनाव के समय में हम देखते हैं। ये सचमुच में ये नजारा जो है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जीत हार का फैसला तो लोग करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब ये नजारा देखते हैं तब ये लगता है कि क्या इस दौर में ये जितने नैरेटिव्स दिए जाते हैं, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, क्या इस भीड़ देख के कम से कम उनको सोचने पे एक बार जरूर मजबूर नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल। क्या ये लोकतंत्र बचाओ और जो संविधान बचाओ का जब वो नैरेटिव